Hey guys, welcome to another vlog, another beautiful day in Singapore. और आज जैसे ही मैंने आप लोगों को कल बताया था कि मेरा कैमरा ख़राब हो गया है, तो मैं जा रहा हूँ कैनन स्टोर इसको फिक्स कराने, और एक एक्स्ट्रा बैटरी मुझे परचेस करनी है. धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, इसलिए मैं ढूंढता हूँ टैक्सी और पहुँचता हूँ जल्दी से कैनन स्टोर, क्योंकि उसके बाद हमें जाना है क्रूज़ पर. आज क्रूज़ पर चेक इन करना है, दो दिन हम वहाँ पर रहेंगे, फिर तो देखते हैं कैसे कितना मज़ा आता है हमें. सो गाइस, मैं पहुंच गया हूं कैनन स्टोर फाइनली. काफ़ी टाइम लगा वहाँ से, टैक्सी में मिलने में प्रॉब्लम हुई, तो चलिए देखता हूं कि ये शाम तक रिपेयर हो पाता है नहीं है, क्योंकि मुझे जाना है क्रूज. कैमरा मैंने दे दिया है रिपेयर के लिए, लेकिन एक सैड चीज़ जो है वो है कि अगर ये रिपेयर क्लीनिंग से नहीं हुआ तो चेंज करना पड़ेगा लेंस, और जो कि काफ़ी कॉस्टली हो जाएगा, अराउंड 16,000 समथिंग. तो देखते हैं कैसा होता है. अभी 2 से 3 दिन लगेंगे इसे वापस मिलने में मुझे, आज जाना है मुझे क्रूज़ पर. तो अब मुझे जो ब्लॉग शूट करने पड़ेंगे वो करने पड़ेंगे इस फोन से ही, मोबाइल से. तो होप सो कि ये क्लीनिंग से सही हो जाए, नहीं तो काफ़ी कॉस्टली है. तो दोस्तों, फ़िलहाल मैं हूँ मरीना बे सैंड में, टावर वन में, और हम जा रहे हैं स्काई पार्क, जो एक बड़ी सी जो बिल्डिंग है शिप के शेप में, उसके ऊपर हम जाने वाले हैं. तो आप देख सकते हैं पूरा 5-star होटल्स आपको यहाँ मिल जाएंगे. तो चलिए चलते हैं ऊपर, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से सारा व्यू कैसा है. सो गाइस, ये पीछे का टिकट काउंटर टावर 3 के जस्ट बाहर आकर ये टिकट काउंटर है. गाइस, ये है प्राइसिंग स्काई पार्क ऑब्जर्वेशन डेक टिकट. एडल्ट्स के लिए $23, चिल्ड्रन के लिए $17 और सीनियर्स के लिए $20. बस ये हैं टिकट, इस तरह के टिकट्स होते हैं जो आप परचेज कर सकते हैं. प्राइसिंग मैंने आपको दिखाई है यहाँ पर, और यहाँ से है एंट्रेंस. सो गाइस, हम आ गए हैं ऊपर स्काई पार्क के लिए. तो ये 56 फ्लोर पर है, यहाँ से ऑब्जर्वेशन डेक है. मैं आपको दिखाता हूँ सारा व्यू यहाँ से. तो हम पहुंच गए हैं यहाँ पर रिपोर्ट पर, क्रूज पर जाने के लिए. तो नीचे यहाँ पर चेकिंग के लिए हो रहा है, और यहाँ पे सारा लगेज हमें छोड़ना है, उसके बाद अंदर जाकर और सिक्योरिटी चेक होगा, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कैसा है क्रूज. मैं आपको दिखा रहा हूँ गाइस. सो यहाँ पर आपको बोर्डिंग पास मिलेगा, आप पीछे देख सकते हैं काउंटर, जहाँ पर आपको डिपॉजिट करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं, और बोर्डिंग पास को मिलेगा. ये है अंदर से ड्रीम, ये है पोर्ट यहाँ का, जहाँ क्रूज पोर्ट जहाँ से बोर्डिंग होती है. तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, लगभग 1 घंटा में लग जाएगा यहाँ. दोस्तों, ये है पीछे
से हमारे जेंटिंग बड़ी शिप यू कैन सी द क्यू ऑफ लाइन। गाइस अब मैं क्रूज में हूँ और हम जा रहे हैं अपने रूम की तरफ। चलिए चलते हैं। बहुत बड़ी शिप है, बहुत बड़ा जहाज़ है। काफ़ी टाइम लगा हमें यहाँ तक पहुँचने में और ये आप देख सकते हैं फिलहाल हम क्रूज़ में ही हैं, यहाँ पर चल रहे हैं और रूम घूम रहे हैं। जैसे ही रूम मिल जाता है थोड़ा बहुत ज़्यादा थके मैं तो थोड़ा सा आराम करेंगे क्योंकि फिर पूरी क्रूज़ आप लोगों को दिखानी है। देखूँगा मैं अगर अभी क्योंकि रात हो गई है किस टाइम तक मैं आपको दिखा सकता हूँ। अगर आज नहीं दिखा तो कल के ब्लॉग में आपको क्रूज़ पूरी मैं ज़रूर दिखाऊंगा। सो गाइज नाउ वी आर इन द क्रूज रूम। मैं लगा देता हूँ अपना कार्ड। सो ये है इनसाइड स्ट्रेट रूम, छोटा सा 3 बेड्स यहाँ पर है और यहाँ पर है छोटी सी कबर्ड। ओके ये है छोटा सा रूम। यहाँ पर मिलता है मिनी बार भी। इधर ये है मिनी बार और इधर 2 लॉकर आपको मिलते हैं। ये इधर कुछ कंपार्टमेंट हैं छोटे से आप देख सकते हैं और इधर ड्रेसिंग टेबल आप एक टेबल कह लें और यहाँ पर कॉफ़ी के लिए सारा सामान और इधर है टीवी स्क्रीन। सो गाइज मैं आपको दिखा देता हूँ बाथरूम जो सबसे बेस्ट है। ये हमारा मेन डोर था तो इधर छोटा सा ये दरवाज़ा है और आप इसे खोलेंगे तो देखिए वाओ बाथरूम अमेजिंग है। देखिए छोटी सी जगह में कितना कमाल का बाथरूम है। इधर नानी के लिए ये है शॉवर। वाह गजब। ओके और ये क्या है शॉवर कैप, वैनिटी किट, कॉम, डेंटल किट, शेविंग किट, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलता है और बच्चों के लिए भी कुछ है देखते हैं। ओके किट सेट भी आपको यहाँ पर मिल रहा है बच्चों के लिए है छोटा सा। ओके वाव ये सारा बच्चों के लिए सामान। तो गाइस काफ़ी बढ़िया है बाथरूम, मुझे पसंद आया। हमें बैल्कनी रूम नहीं मिला, हम सोच रहे थे कि मज़ा नहीं आएगा लेकिन ये काफ़ी अच्छा है ये रूम भी और बाथरूम स्पेशली काफ़ी अच्छा है। सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, मिनी बार भी है, इलेक्ट्रिक केटल भी अवेलेबल है, सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं अवेलेबल। अब हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे फिर बाहर जाएंगे और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ के क्रूज के नज़ारे। सो गाइस जो हमारा रूम है वो है डेक 11 पर और यहाँ पर टोटल जो डेक्स हैं वो हैं टोटल 19 डेक्स और अब हम जा रहे हैं मैं आपको दिखाऊंगा कुछ इंटरेस्टिंग। जस्ट अभी बाहर निकले हैं हम रूम से, लिफ्ट आ गई है तो चलिए चलते हैं। तो अब हम फिलहाल आए हैं डेक 6 पर और यहाँ पर है कैसीनो। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ।
जाएंगे तो लेट्स सी और क्या है यहाँ पर देखने के लिए। अभी बहुत बड़ी शिप है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसलिए मैं आपको सारी अभी नहीं दिखा पाऊँगा, कल दिखाऊँगा। सो देखते हैं, यहाँ पर मेंशन है बीच, लेट्स सी किधर से हमें जाना है। सो गाइस वी आर ऑन द टॉप एंड यू कैन चेक आउट द व्यू। मज़ा आ रहा है यहाँ पर, ऊपर ये सब लगे हुए हैं, आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं यहाँ पर। आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, आज का ब्लॉग यहाँ का क्रूज का। तो अभी मैंने आपको पूरी क्रूज नहीं दिखाई है, ऊपर का व्यू नहीं दिखाया है, बहुत सारे डेक हैं, बहुत बड़ी क्रूज है जो आपको नहीं दिखा सकता हूँ। सो कल मॉर्निंग में मैं आपको दिखाऊंगा और हम कल जाएंगे कोलालंपुर मलेशिया। तो पहले मैं आपको मॉर्निंग में क्रूज दिखाऊंगा कि मैं जल्दी उठ गया और उसके बाद आपको कोलालंपुर का टूर कराऊंगा। तो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, और अगर आप तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। आपके आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और मैं आपके लिए और अच्छी बेस्ट ब्लॉग्स लेकर आता रहूँ। सो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।